नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी बर्गनर की नई नॉनस्टिक कढ़ाई का अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ इसे इस्तेमाल करने से पहले फर्स्ट टाइम क्लीन करने का जो तरीका है वो भी आज आपको मैं बताने वाली हूँ, और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि इसके नॉनस्टिक की कोटिंग ज़्यादा दिन तक चले। अगर आप भी नॉनस्टिक की कढ़ाई लेने की सोच रहे हो जिसकी कोटिंग लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लें, ताकि आपको इस कढ़ाई की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और यूजफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आइए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया है, तो ये सबसे ऊपर वारंटी कार्ड दिया है, इसमें 10 साल की वारंटी दी है। ये रहा इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसमें इसे फर्स्ट टाइम क्लीन करने का मेथड, जनरल क्लीनिंग मेथड, वार्निंग्स और साथ ही साथ इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी दिया हुआ है। तो ये इस कढ़ाई का लिड है, निकाल लेते हैं। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है इसका। टेम्पर ग्लास से बना हुआ है, और ये जो इसका हैंडल है ये कुकिंग के टाइम पर गर्म नहीं होता है। इसके चारों तरफ स्टील का ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये इसमें स्टीम निकलने के लिए होल भी दिया हुआ है। पकड़ने में ये बहुत ही अच्छा सा कंफर्टेबल है। तो आइए अब कढ़ाई देख लेते हैं। इसे भी इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। ये रही हमारी कढ़ाई, ये दो इसमें सिलिका जेल के पैकेट्स हैं। इसके हैंडल पर ये बर्गनर का टैग लगा हुआ है, ये हनीकॉम पैटर्न से बना हुआ है और यही इसकी खासियत है। इसके अंदर जो नॉनस्टिक की कोटिंग है वो इस हनीकॉम पैटर्न की वजह से प्रोटेक्टिव रहती है, उस पर स्क्रैचेज नहीं आते हैं। वैसे तो इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया हुआ है कि मेटल के स्पैचुलास नहीं यूज़ करने हैं, पर बाय चांस अगर आप यूज़ भी करते हो तो इसकी कोटिंग सही सलामत रहती है, वो इस हनीकॉम पैटर्न की वजह से प्रोटेक्टिव रहती है। इस पैटर्न की वजह से कुकिंग के टाइम पर ऑयल कम लगता है और खाना चिपकता भी नहीं। दूसरा खासियत इसका ट्राईप्लाई मेथड है, यानी कि ये तीन लेयर्स में बनी हुई है। पहला जो लेयर है वो स्टील का है, जो कि विथ मैश एंड क्वांटम कोटिंग है। बीच में एल्युमिनियम की लेयर है और लास्ट वाला स्टेनलेस स्टील है। बीच वाला जो एल्युमिनियम की लेयर है उसकी वजह से कुकिंग के टाइम पर कढ़ाई चारों तरफ एक समान बराबर और जल्दी गर्म होती है। यानी कि इस ट्राईप्लाई मेथड की वजह से जो भी कुछ आप कुक कर रहे हो वो चारों तरफ एक समान बराबर पकता है। आप इसे इंडक्शन पर भी यूज़ कर सकते हो, और इसके ये जो हैंडल्स हैं कुकिंग के टाइम पर गर्म नहीं होते हैं। 2 kg इसका वेट है, 3.5 liter इसकी कैपेसिटी है, 26 cm इसका डायामीटर है और इसकी हाइट 9 cm है। इसमें छोटे बड़े साइज और भी अवेलेबल हैं, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हो। और कहते हैं ना कि एक बार कोई अच्छी चीज़ ले लो तो वो सालों साल तक काम आती है। इसे यूज़ करते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पकाते वक्त जहाँ तक पॉसिबल हो आप वुडन या सिलिकन स्पैचुलास ही यूज़ करें। लो और मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें। इसे क्लीन करने के लिए कभी भी स्टील या तार वाले स्क्रबर का इस्तेमाल ना करें, इससे इसके नॉनस्टिक की कोटिंग निकल जाएगी। हमेशा स्पंज वाले या फिर ग्रीन वाले स्क्रबर का ही इस्तेमाल करें। जनरल वॉश के लिए आप इसे इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही वॉश करें, अदरवाइज इससे इसके नॉनस्टिक की कोटिंग निकल जाएगी। तो अब जबकि मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है, तो आइए अब इसका फर्स्ट टाइम क्लीनिंग मेथड भी देख लेते हैं। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्लोर ले सकते हो, जैसे मैदा, आटा या बेसन। मैंने यहाँ पर आटा लिया है। अब इसे हम हल्के हाथ से पूरी कढ़ाई पर अच्छी तरह से 2 मिनट तक रब कर लेंगे। ऐसा करने से इसके ऊपर जो कोटिंग की हुई होती है
उसके डस्ट और रेसिड्यूज निकल जाएंगे। इसके लिड पर भी रब कर लेते हैं। और अब मैंने इसे अच्छी तरह से रब कर लिया है, तो अब इसे हम गर्म पानी से धो लेंगे। लिड को भी धो लेते हैं। अब इस ग्रीन वाले स्क्रबर पर ये बर्तन धोने का लिक्विड या फिर बर्तन धोने के लिए जो भी कुछ आप इस्तेमाल करते हो डालकर एक बार हल्के हाथ से कढ़ाई पर चारों तरफ अच्छी तरह से रब कर लेंगे। लिड पर भी रब कर लेते हैं। अब वापस इसे हम गर्म पानी से ही धो लेंगे। और अब इसे गर्म पानी से धोने के बाद वापस एक बार फिर से इसे स्क्रबर से रब कर लेते हैं। और अब इस बार हम इसे ठंडे पानी यानी कि टैप वाटर से अच्छी तरह से धो लेंगे। और अब ये हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से धुल चुकी है, तो अब इसे हम किसी साफ सूखे कपड़े या फिर किचन टॉवल से पोंछ कर सुखा लेंगे। तो यही था हमारा फर्स्ट टाइम क्लीनिंग मेथड। इस फर्स्ट टाइम क्लीनिंग मेथड को जरूर यूज करें, इससे हमारे कढ़ाई की लाइफ बढ़ जाती है। और अब हमारी कढ़ाई यूज करने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले हम इसके इस स्टिकर को निकाल लेते हैं। कढ़ाई को हल्का गर्म कर लेंगे और अब ये इजीली निकल गया। अब मैं आपको इसे इस्तेमाल करके भी बताती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने इसमें शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाए थे, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, इसमें खाना तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। इन ट्राइप्लाई मेथड वाले बर्तनों को इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इन्हें इस्तेमाल करने के बाद वॉश करना बहुत ही आसान होता है। बहुत ही इजीली ये क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि मैं पिछले एक साल से इसकी कढ़ाई और 3 महीने से इसके तवे को इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने अपनी कई रेसिपीज की शूटिंग भी इन पर ही की है, जिसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो अब मुझे लगता है कि मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है और मैं तो इस कढ़ाई से फुल सेटिस्फाइड हूँ। तो अब लास्ट में मैं आपको इसका प्राइस भी बता देती हूँ। इसका MRP 6615 है और ये डिस्काउंट के बाद मुझे 5049 का पड़ा है। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, जिसे आप नेट पर पता कर सकते हो। अगर इस कढ़ाई को लेकर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी और यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक यानी कि थम्सअप के बटन पर क्लिक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें, ताकि वो भी इस यूजफुल वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस यूजफुल वीडियो को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।